की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर आपको ग्वालियर का एक किस्सा बताएंगे, क्योंकि ग्वालियर शहर से बीजेपी के महान नेताओं का गहरा नाता रहा है। इन नेताओं का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई, लेकिन ग्वालियर बीजेपी के लिए बहुत अहम पथ प्रदर्शक शहर रहा है। यूं कहें कि 1951 में जनसंघ स्थापना के साथ ही यह शहर पार्टी का अनिवार्य अंग जैसा हो गया। यहां महान राजनेताओं की लिस्ट में राजमाता विजया राजे सिंधिया का नाम सबसे पहले आता है। वो इसलिए क्योंकि राजमाता कांग्रेस छोड़कर जनसंघ के साथ आई और उन्होंने इसे सींचने का काम किया। इसके बाद ही बीजेपी का उदय हुआ। राजनेता में दूसरा बड़ा नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आता है। ऐसी ही पुरानी बातें जब 90 साल के बीजेपी के वयोवृद्ध नेता वैद्य कृष्णराव गजेंद्र गढ़कर याद कर बताते हैं तो लगता है कि उनकी आंखों में वही पुराना दौर दिख रहा हो। अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता का तो सब बड़ा योगदान है, जिसके वजह से ही तो पार्टी उस ऊंचाई पे पहुंची है। हाँ, इनका तो बहुत बड़ा योगदान है, इनके आने से ही पार्टी को ऊंचाई मिली है। नारायण कृष्ण शेजवलकर, रघुनाथ शंकर पोतनीस, शीतला साई जी, नरेश जोहरी और प्रभाकर नारायण केलकर, भगवान सिंह माथुर, श्याम बिहारी मिश्रा जी, इनको इन सब लोगों का बड़ा योगदान था पार्टी बढ़ाने के लिए। और इन सब लोगों ने, गंगाराम बांदिल, इन सब लोगों का योगदान था जिसके कारण यहाँ पार्टी के नेतृत्व बढ़ा। और सच पूछो तो ग्वालियर से ही बीजेपी का उदय, भारतीय जनता का उदय हुआ है और यहीं से इसका उत्कर्ष हुआ है। वो सब दूर एक मध्य इसमें मध्य प्रदेश में इसका फैलाव हुआ है। 1980 में ग्वालियर के लाल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मुंबई अधिवेशन में बीजेपी के स्थापना दिवस पर पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने संघर्ष से शिखर तक पहुंचने के आयाम स्थापित किए। इस दौरान उनके सहयोग के लिए हरदम राजमाता सिंधिया उनके साथ खड़ी रही। राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे बताते हैं, एक समय वो भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रेलवे स्टेशन से दिल्ली में पार्टी के काम के जनरल के टिकट पर पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करते थे। अटल जी ग्वालियर से दिल्ली जाते थे तो यहाँ से एक सवारी गाड़ी, जिसको अपन पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, उससे रात में ग्वालियर दिल्ली पहुँचते थे। और जब दिल्ली पहुँचते थे तो जो दिल्ली की रोडवेज की बसें हैं, लोकल बसेज हैं, वो उस समय बंद हो जाती थी, क्योंकि मुझे बताया गया कि वो समय लगभग 12 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुँचते थे। तो अटल जी रेलवे स्टेशन पर ही सो जाते थे, क्योंकि ऑटो से जाना निश्चित रूप से अटल जी को उस समय धन का अपव्यय लगता था और जनसंघ की ऐसी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि ऑटो का खर्च वहन कर सके। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय जनसंघ की हालत यह थी कि वो रात को स्टेशन पर ही सो के विश्राम करते थे, स्टेशन पर ही अपने सुबह फ्रेश वगैरह होने के पश्चात फिर पार्टी कार्यालय में ऑटो पकड़ के जाने की बजाय वो बस से जाते। कुल मिलाकर आज जिस बीजेपी को हम देख रहे हैं, उस बीजेपी को खड़ा करने में ग्वालियर चंबल अंचल के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने दिन रात एक करके पार्टी को गढ़ने का काम किया। इमरजेंसी में जेल गए, कई यातनाएं सही, लेकिन कभी विचारों से समझौता नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि बीजेपी शिखर पर काबिज है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।